नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध। साथियों, ये तो आपको पता ही होगा कि मार्केट में आज जो है हर महीने एक नया बाबा जो है वो लॉन्च होते जा रहा है, और लॉन्चिंग प्रक्रिया आज के टाइम में स्ट्रगल वाली नहीं है कि किसी बाबा को स्ट्रगल करना पड़ेगा। ना 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 ना, लॉन्च होना है। हमारी भारतीय मीडिया जो है ना वो इतनी हद तक पहुँच चुकी है, बाबा को बुलाती है, उसका प्रोग्राम करती है, लाखों करोड़ों लोगों तक दिखाती है। अब देखिए, एक बाबा और जो है अपनी लॉन्चिंग की प्रक्रिया जो है इसी तरीके से फॉलो करने के लिए मीडिया चैनल पर आया, और जब आया तो किस तरीके से चीजें हुई हैं पहले इस वीडियो में देखते हैं, फिर हम बात करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रुचिका है। सिरदर्द हो रहा है? हाँ, सही में हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मेरे को मोशन वो थोड़ा हाँ सिकनेस है, मोशन सिकनेस, तो मेरे को सरदर्द और वॉमिटिंग फील। कब से इलाज चला रही हैं? इलाज क्यों, मोशन वो है ना सिकनेस। डॉक्टर साहब ने क्या बताया था? डॉक्टर के पास गई नहीं हूँ अभी। डॉक्टर्स भी हैं, उनको भी दिखा देंगे। दर्द कहाँ हो रहा है? सर में। इस समय देखो कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। बीच में, हाथ हटा लो। कहाँ है देखिए? हो रहा है अभी भी यही। अब बताएं। नहीं हो रहा है अभी भी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है। नहीं हो रहा है, मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। बट वो दर्द मेरा है तो मुझे तो पता नहीं। नहीं दर्द हो ही नहीं रहा आपके। इधर आ जाए, निकल के आ जाइए, आ जाइए, निकल के आ जाइए। ये आपने जो है मतलब वो कह रहे हैं, वो बार बार डिश कर मैं प्रमाण दे रहा हूँ। वो म्यूजिक बड़ा सही था जी, डिस करके खींचा उन्होंने। बस अब यहाँ पे आ जाओ, खड़े रहे, माइक पकड़ा दो इसको बाबा, माइक जी जी पकड़ लो, अब बात करो बाबा से। अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बता रहा, आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। दर्द को मशीन, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, थोड़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, देखिए बिल्कुल कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है। पर हो रहा है? नहीं हो रहा बेटा, हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग फीलिंग भी हो रही है। नहीं, फीलिंग बिल्कुल वेटिंग हो रही, अगर वेटिंग फैमिली हो रही तो वही खड़ी थी, दर्द यहाँ बिल्कुल आपका नहीं हो रहा। हो रहा है कैसे जाने, क्योंकि मेरा दर्द है तो मुझे पता चल रहा है। वो बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण दे रहा। चलो छोड़ो, मैं ज़्यादा वीडियो नहीं दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं चलाऊंगा। अब आप यहाँ पर पता है क्या हो रहा है इस वीडियो में? इस वीडियो में ये हो रहा है कि ये बाबा लोगों का USP है एक तरह से, ये ठूस छास करना और इस तरह की चीज़ें करना। और ये ऐसा नहीं एक बाबा, सभी बाबा ऐसे करते हैं। आपने धीरेन्द्र शास्त्री को देखा होगा, वो छू छार सेनापति मार लगाओ, ये करो वो करो, उंगली से कंट्रोल करता है कि हाँ भाई बाबा को कंट्रोल करता है। उसी तरीके से तमाम बाबाओं का कुछ ना कुछ होता है, कोई मंत्र पढ़ के छू मारता है, फूंक मारता है, ये करता है। अभी होता क्या है, अगर यहीं पर कोई गांव देहात की महिला होती और महिला के घुटने में दर्द होता, पेट में दर्द होता, कंधे में दर्द होता या फिर सिर का दर्द होता, और ये बाबा यही एक्टिविटी करता और इस तरीके से एक बार या दूसरी बार तो तीसरी बार तो कन्फर्म वो महिला कह देती कि हाँ जी ठीक हो गया। लेकिन ये लड़की है, नौजवान है, पढ़ी लिखी भी है और कॉन्फिडेंट भी है, और अपने दोस्तों की सराउंडिंग में है तो चिल भी है, तो इसीलिए जो बात थी वही बात पर वो अड़ी रही कि भैया दर्द हो रहा है तो हो रहा है। अब इसने खूब ठिस ठुस कर लिया लेकिन वो दर्द नहीं गायब हुआ। अच्छा, अब ये होता कैसे, महिला क्यों हाँ कर देती? ये होता है फियर ऑफ नेग्लिजेंस, यानी कि समाज का डर। समाज का डर कैसा, कि यदि मैं समाज की कल्पनाओं से अलग हटी या उससे जवाब उससे अलग दिया तो कहीं समाज मेरा बहिष्कार न करने लगे, इसीलिए कि यार इतना बड़ा बाबा है और मेरे ऊपर में जादू चमत्कार कर रहा है तो ठीक हो ही गया होगा, इसी डर से कि समाज कहीं उसका बहिष्कार ना कर दे या उसके विरोध ना कर दे या उससे सवाल ना करने लग जाए, इसीलिए वो फ्लो फ्लो में बोल देती हैं जी हाँ महाराज जी हो गया ठीक, लेकिन असल में वो ठीक नहीं होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि यही कृत्य बड़े स्तर पर जो है आज चलने में लगा हुआ है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी और तमाम TV चैनलों के माध्यम से, और पहले तक तो भक्ति चैनल तक सीमित था, अब तो न्यूज़ चैनल्स पर इन बाबाओं को बुला करके इनके कलाओं का जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी इससे पहले भी और बाबा आए जो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की बक बक करके जो है वो गए हैं और समाज में किस तरह की चीज़ें, किस तरह की बातें जो है फैला करके गए हैं। तो भैया थोड़ा सा सावधान हो जाइए इन न्यूज़ चैनलों से भी और इन बाबाओं से भी कि किस तरीके से ठूस ठास करके आप लोगों का मूर्ख बनाने लग रहे हैं। अपनी माताओं बहनों को रोकिए, उनको हमारे वीडियोस दिखाइए, उनको समझाइए कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ तुक्के का फ़ायदा उठाते हैं कि अगर हो गया तो बल्ले बल्ले और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, भैया जैसा लिखना था वैसा ही होना है।
तो इस तरह की चीजें होती हैं, तो इनसे बचिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं प्रशांत बोध मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।